Hello friends, I welcome you all for this online teaching learning process. Friends, our subject name is Engineering Metrology and today's our topic is other characteristics of metrology. This topic is related with the last topic which we have learn, that is characteristics of metrology. So let's go ahead with this topic. Before proceeding for today's lecture, just we take a short overview of previous lecture. In previous lecture, we have studied about define inspection, need of inspection in industry, differentiate accuracy and precision. Now, today's lecture outcomes. So today we have studied about define reproducibility, repeatability, calibration, traceability, sensitivity. And one more thing we have to go through today's lecture. Question is, why it is necessary to calibrate measuring instrument and unit gauges? Let's start our today's lecture. So we start with reproducibility. Friends, reproducibility is the closeness of the agreement between the result of measurement of the same quantity when individual measurements are carried out. So, by different observers, by different methods, by different instrument, under different condition, location, time, etc. It may be expressed in terms of dispersion of the result. So, friends, अगर हम लोग reproducibility के बारे में बात करते हैं, तो ये basically होता है closeness of the agreement between result of measurement of the same quantity. जैसे कि हम लोग जब भी मेजरमेंट करते हैं तो इसके पहले भी मैंने आपसे बात आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास में एक डिजाइन डायमेंशन होता है और एक हमारा मेजर डायमेंशन होता है. डिजाइन डायमेंशन मतलब हमें जो पहले से डायग्राम दी रहती है कि हमें जो भी जॉब बनाना है उसका डायमेंशन पहले से गिवन रहता है और हम जब अपना मेजरमेंट करते हैं यानी प्रोडक्शन करते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं तो तब जो वैल्यू हमको मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो होती है मेजर्ड वैल्यू. तो ये मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज होता है डिजाइन वैल्यू से, इस चीज को कहा जाता है रिप्रोड्यूस एबिलिटी. और इसमें कुछ फैक्टर्स दिए उन्होंने कि क्लोजनेस तो मिलना चाहिए बट रिप्रोड्यूसिबिलिटी कब कहा जाएगा, जब डायमेंशन मेजर किए जाएंगे बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. एक ही इंजीनियर बोलिए या इंस्पेक्टर बोलिए उसको चेक नहीं करेगा, और डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स वगैरह चेक कर रहे हैं और फिर भी आपका आंसर सेम आ रहा है तो उसको कहा जाएगा रिप्रोड्यूसिबिलिटी. सेकेंड है बाय डिफरेंट मेथड्स. हर इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना अलग अलग मेथड्स होता है, तो अगर हम लोग अलग अलग तरीके की मेथड्स यूज करके अगर आंसर निकालते हैं और फिर भी आंसर सेम आता है, क्लोज आता है डिजाइन वैल्यू से, तो उसको कहा जाएगा रिप्रोड्यूस एबिलिटी बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अंडर डिफरेंट कंडीशन, लोकेशन, टाइम एक्सेट्रा. मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो चीजें हैं ये भी अगर वैरी होती है और फिर भी आपका आंसर सेम आता है तो उसको कहा जाता है रिप्रोड्यूस एबिलिटी. लास्ट में देखिए इसमें एक और चीज दिया है, इट मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द रिजल्ट. फ्रेंड्स, डिस्पर्शन मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज को मेजर करते हैं तो वो मीन वैल्यू से कितना फ्लोट होता है डिफरेंट डायरेक्शन में. मतलब देखिए कि अगर हम लोगों का आंसर है फॉर एग्जांपल हमें 25 mm डायमेंशन निकालना है, तो हो सकता है हमारा कोई डायमेंशन 23 mm आए, कोई 24 mm आए, कोई 25 आए, कोई 26 आए, कोई 27 आए. तो ये 23 से 27 तक का जो डायमेंशन है क्या हो गया, डिस्पर्स. सो एज अ इंजीनियर और एज अ क्वालिटी हमें ये जो डिस्पर्शन है ये कम से कम रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
to repeat the same result for the measurement for the same quantity when measurement are carried out by. देखिए थोड़ा दोनों भी डेफिनेशन थोड़ी सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है. रिपीटेबिलिटी में क्या बोल रहा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी में बोल रहा था कि डिफरेंट ऑब्जर्वर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट कंडीशन. रिपीटेबिलिटी में क्या बोल रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द सेम रिजल्ट. मतलब यहाँ पे भी रिजल्ट कैसा आ रहा है, बार बार सेम आ रहा है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी. क्वांटिटी भी कैसी होनी चाहिए, सेम. बट व्हेन द मेजरमेंट्स आर कैरीड आउट बाय सेम ऑब्जर्वर, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम कंडीशन, विदाउट एनी चेंज इन लोकेशन, विदाउट एनी चेंज इन मेथड ऑफ मेजरमेंट, द मेजरमेंट आर कैरीड आउट इन शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम. देखिए दोनों में डिफरेंस इतना ही है, आंसर सेम है दोनों का, सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी में डिफरेंट ऑब्जर्वर, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट कंडीशन, सब चीजें डिफरेंट है, और रिपीटेबिलिटी में सब चीजें सेम. सो इट मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ रिजल्ट. ये भी डिस्पर्शन के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन देखिए क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग समथिंग ओनली इन अपीयरेंस नॉट इन फिजिकल साइज सो दैट इट इज मोर रीडेबल. मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, ये वो चीजें होती है कि हम कुछ चीजों को ऐसा होता है कि हम अपनी आंखों से उसको अच्छी तरीके से देख नहीं पाते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको रीड करने के लिए उस इमेज को बड़ा करते हैं. उसका फिजिकल अपीयरेंस वही रहेगा बट उसका जो व्यू है वो बड़ा होगा. जैसा इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म एक्चुअली चलते रहती है मशीन के अंदर, लेकिन उसका जो रीडेबल फॉर्मेट जो हम लोग देख सकते हैं वो आता है स्क्रीन के ऊपर. तो अगर आप कभी पलट के देखोगे उस मशीन में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, वहां से एक लाइट आते हुए दिखेगा लेकिन वहां पे पिक्चर नहीं दिखेगा. पिक्चर कहाँ दिखेगी आपको, स्क्रीन के ऊपर. तो वो क्या वहां पे हो क्या रहा है, जो छोटी इमेज को बड़ा कर रहे हैं, छोटी इमेज को बड़ा करके रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाता है, इसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये एक स्टैम्प पेपर है और हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं कि उसके अंदर छोटी छोटी चीजें क्या है. एक्चुअली स्टैम्प पेपर छोटा सा होता है बहुत, और उसमें डिजाइन वगैरह रहती है जो दिख रहा है ना, ये सब डिजाइन वगैरह रहती है. तो अगर हमको इसको अच्छे तरीके से देखना है क्लियरली तो हमको यूज करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास का. तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कर रहा है, छोटी इमेज को बड़ा कर रहा है. दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंसिटिविटी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रीडेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, मैग्निफिकेशन, सेंसिटिविटी. लेकिन इनका जो एग्जाम का जो आने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम, जो बाकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इंस्पेक्शन ये ज्यादा बार आते हैं, उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चंस कम आते हैं. तो देखिए सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल वेरिएशन इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, हायर द एबिलिटी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट मोर सेंसिटिविटी. देखिए फ्रेंड्स सेंसिटिविटी बहुत सिंपल कंसेप्ट है. सेंसिटिविटी में क्या होता है कि देखिए हम जब भी प्रोसेस करते हैं तो वहां तीन चीजें होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. तो हम जैसे ही इनपुट देते हैं आउटपुट कितना फास्ट चेंज होता है इसको कहा जाता है सेंसिटिविटी. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे देखिए यहाँ तीन डायग्राम दी है, ये तीनों भी थर्मामीटर है फ्रेंड्स. सो पहला जो ये जो थर्मामीटर दिख रहा है आपको, ये एनालॉग थर्मामीटर जो आप लोगों ने अभी तक बेसिकली डॉक्टर्स के पास देखा है. कभी आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये जो बल्ब है, ये बल्ब मर्क्यूरी बल्ब होता है, इसको आपके मुंह में रख देता है. तो ये बल्ब आपके बॉडी का, मुंह का अंदर का टेम्परेचर सेंस करके, ये मर्क्यूरी बॉइल्ड होता है, बॉइल्ड होने की वजह से इसमें वो फ्लोट किया जाता है, और ये जैसे जैसे ऊपर फ्लो होता है वैसे वैसे आपको फिर इसमें टेम्परेचर दिखता है. ये जो दिख रहा है ना मार्किंग, ये मार्किंग से आपको टेम्परेचर दिखता है. वैसा ये दूसरा थर्मामीटर है, ये भी इसमें भी बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे डिजिटल तरीके से आपका आंसर दिखाता है. इसको मुंह में रखा जाता है दोस्तों ये पॉइंटर को, और यहाँ से आपको आंसर मिलता है. ठीक है, अब पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं. तो इन दोनों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये एनालॉग है, ये डिजिटल है. दोनों में फर्क क्या है, ये सेंसिटिव कम है, ये सेंसिटिव ज्यादा है. अभी सेंसिटिव कम है ज्यादा कैसा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये थोड़ा समय लेता है, डॉक्टर आपके मुंह में रखने के बाद में कुछ समय
कुछ समय तक वो सेंस करता है और फिर उसमें हाइट बढ़ते जाता है, लेकिन इसमें इंस्टेंटली होता है। ठीक है, अभी तीसरा जो डायग्राम दिख रहा है इसमें देखिए, ये दोनों भी टच वाले हैं सेंसिटिविटी के लिए, लेकिन ये बिना टच वाला होता है जो आजकल आप हर जगह देख रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक में हार्डली यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक रेज निकल के आपके फोरहेड के ऊपर मार्क किया जाता है और वो आपको यहाँ से टेम्परेचर शो करता है। तो सबसे सेंसिटिव कौन सा है दोस्तों इसमें? ये वाला। इसके बाद थोड़ा कम सेंसिटिव कौन सा है? तो ये वाला। और सबसे कम सेंसिटिव है ये एनालॉग वाला। तो अपना नेक्स्ट डेफिनेशन है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी में देखिए दोस्तों, इसके नाम में ही अपने को इसका मतलब समझ जाता है। रीडेबिलिटी मतलब रीड करने की एबिलिटी। इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। रीडेबिलिटी रिफर्स टू द ईज विद विच द रीडिंग ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी रीड। मतलब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मिलने वाला जो रीडिंग है वो कितना आसानी से रीड कर सकते हैं उसको कहा जाता है रीडेबिलिटी। फाइन एंड वाइडली स्पेस्ड ग्रेजुएशन लाइन इंप्रूव्स द रीडेबिलिटी टू मेक द माइक्रोमीटर मोर रीडेबल। दे आर प्रोवाइडेड विद द वर्नियर स्केल एंड मैग्नीफाइंग डिवाइस। ये मैग्नीफाइंग डिवाइस मतलब माइक्रोमीटर या बिल्ड प्रोटेक्टर, इसके ऊपर एक ग्लास अप्लाई किया जाता है जो छोटे छोटे रिंग्स होते हैं वो हमें आसानी से दिखे जाए इसलिए। अब देखिए ये डायग्राम में जो दिया हुआ है इसमें देखिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये हम आसानी से पढ़ सकते हैं क्या या पढ़ सक रहे क्या इसको? नहीं। लेकिन यही चीज को यहाँ पे देखिए हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इस चीज को कहा जाता है रीडेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना कैलिब्रेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कैलिब्रेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इट इज डन बाय डिटेक्टिंग एंड एडजस्टिंग एनी डिस्क्रिपेंसीज इन द इंस्ट्रूमेंट ब्रिंग एक्यूरेसी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। इसका मतलब होता है दोस्तों, पहले हम डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल ऑफ इट्स पार्ट्स। द डायमेंशन एंड टॉलरेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गेज आर चेक टू डिटरमाइन वेदर इट हैज डिपार्टेड फ्रॉम प्रीवियसली एक्सेप्टेड सर्टिफाइड कंडीशन। इफ डिपार्चर इज विद इन द लिमिट करेक्शंस आर इज विद इन लिमिट करेक्शंस आर। ठीक है दोस्तों, कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन ये बेसिकली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन है। तो कैलिब्रेशन करने के समय जैसे हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट लेके आए वो अच्छा एक्यूरेट है, ओके है, सब चीज उसके बराबर है, उससे जो मिलने वाले आंसर है वो भी बराबर आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये दिन ब दिन हम उसको दिन रात उसको यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसका हैंडलिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ वहाँ से उठाते वहाँ रखते, वहाँ से उठाते वहाँ रखते, दिन भर उससे मेजरिंग क्या बोलेंगे उसको, डायमेंशन चेक करते जा रहे, मेजर करते जा रहे। फिर क्या होता है दोस्तों कि वो इंस्ट्रूमेंट बना कैसे है मेटल से, और वो जॉब जो चेक कर रहा है वो भी कैसे बने हुए मेटल से। तो ये मेटल टू मेटल जब कॉन्टेक्ट होता है तो वियर एंड टियर होता है, फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से इसके जो डायमेंशन होते हैं वो चेंजेस होते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट से हमको आंसर मिलता है वो एक्यूरेट आंसर ना होते हुए कुछ और ही आंसर मिलता है, एरर वाला आंसर मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एरर वाला आंसर मिलेगा तो हमारा आंसर प्रॉपर हो पाएगा क्या, यानी हमारा जो मेजरमेंट है प्रॉपर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। अब कैलिब्रेशन करना मतलब क्या कि उस इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो अच्छा ओके इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ में कंपेयर करते हैं। अब जो ओके इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो ओके है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, और हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे इसको उसके साथ में कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वो रहेगा दोस्तों एरर। इस एरर को एलिमिनेट करके उस इंस्ट्रूमेंट को फिर से ओके करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है कैलिब्रेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैलिब्रेशन इज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल ऑफ इट्स पार्ट्स। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना ज्यादा बार यूज हो रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा बार यूज हो रहा है तो उसका कैलिब्रेशन उतना जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। अगर उसका यूज कम है तो आप उसको कुछ साल के बाद या एक साल बोलिए 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो उसको 6 महीने में 3 महीने में भी कैलिब्रेशन हमको करना पड़ सकता है। उसके बाद देखिए उसका मटेरियल, उस इंस्ट्रूमेंट का जो मटेरियल है उसके ऊपर भी इसका कैलिब्रेशन डिपेंड होता है। समझे दोस्तों, आगे बढ़े फिर। नेसेसिटी ऑफ कैलिब्रेशन इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या नेसेसिटी है? तो पहला है स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए इसके लिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। वेयरिंग ऑफ मेजरिंग फेसेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वेयरिंग फेसेस होते हैं वो जो जो सरफेस टच होता है उसमें वियर होता है,
तो हमारा डायमेंशन चेंज होता है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमको कैलिब्रेशन करना जरूरी है। स्टेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारा इंस्ट्रूमेंट लंबी लाइफ जीना चाहिए, उसमें एरर्स नहीं रहना चाहिए, इसके लिए भी हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। रिमूव द एरर, ये तो हमारा अभी बताया मैंने आपको। फॉर कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय सेफ्टी, देखो कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखे होंगे कि अभी कुछ महीने पहले हमने देखा था कि तेलंगाना में एक गैस लीक हुआ था, टॉक्सिक गैस था और लीक हुआ था। क्यों लीक हुआ था? क्योंकि उसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे थे उन्होंने प्रॉपर आंसर दिए नहीं, तो उससे क्या हो गया, बहुत लोगों का डेथ हो गया, कुछ बीमार पड़ गए। तो ये किस कंडीशन में था दोस्तों? कंज्यूमर एंड एम्प्लॉय सेफ्टी, अगर उस इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ का लेवल वगैरह दिखाते थे या प्रेशर दिखाते थे उनका, अगर हम लोगों ने बराबर यानी उन लोगों ने बराबर टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन किया होता तो इंस्ट्रूमेंट ओके रहते और वो प्रॉब्लम होता नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी देखिए क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वैलिड कैलिब्रेशन ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट स्टैंडर्ड बाय स्टेप कंपैरिजन विद बेटर स्टैंडर्ड अप टू एन एक्सेप्टेड और स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। तो ट्रेसेबिलिटी दोस्तों बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कैलिब्रेशन और ट्रेसेबिलिटी ये एक दूसरे से रिलेटेड। कैलिब्रेशन में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने की कुछ प्रोसीजर दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, उसमें एक प्रोसेस फिर दूसरा प्रोसेस फिर तीसरा प्रोसेस, ऐसा स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन दिया। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करना होता है दोस्तों इसी को कहा जाता है ट्रेस एबिलिटी। ट्रेस एबिलिटी इंप्लाइज इवेंचुअली रेफरेंस टू एन अप्रोप्रिएट नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ट्रेस एबिलिटी ये बेसिकली नेशनल जो हम लोगों ने इसके पहले बात की थी BIS IS, वो पहले से ही प्रोसीजर बता के रखते हैं कि ट्रेस एबिलिटी यानी स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन कैसे करना है, तो उसी के हिसाब से हमको स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन करना होता है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डिफाइन रिपीटेबिलिटी, डिफाइन कैलिब्रेशन, डिफाइन ट्रेसेबिलिटी, डिफाइन सेंसिटिविटी, व्हाई इट इज कैलिब्रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड यूनिट गेजेस। तो हम यहाँ पे आज का टॉपिक दोस्तों एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू वेरी मच।